जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी ऑफ एवरीडे बिहेवियर मैं सुनता हूँ ना मार्केट में, इंटरनेट पे, वो है थ्योरी ऑफ कर्मा, जिसको मैं कर्म भी नहीं बोलूंगा, मैं थ्योरी ऑफ कर्मा ही बोलूंगा, बिकॉज वो बिकती और चलती अपने डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ऐसे ही है। क्योंकि जहां मैंने ये बोल दिया अच्छे काम करो तो अच्छा होगा, बुरे काम करो तो बुरा होगा, वहां मैंने डर ऑलरेडी पैकेज करके बेच दिया है। अब किस बात की फ्रीडम? अब तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, अब तो मैं फिर फंस गया उस चक्कर में। कुछ तो लॉजिक है कर्म के पीछे, कर्मा के पीछे नहीं, कर्म के पीछे। क्या है वो, कैसे समझा जाए उसको सही तरीके से, और कैसे वो कैरिकेचर्ड जो एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके अगेंस्ट खुद को गार्ड किया जाए? देखो, कर्मा में जो कुछ चल रहा है वो तो तुमको पता ही है, अभी बोल ही रहे थे, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैलेंस, और कार्मिक लेफ्ट ओवर्स, राइट, और कार्मिक क्लींजिंग, वो पता नहीं क्या क्या वो सब चल रहा है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं है। कर्म की जो बात है वो बहुत सीधी है, ठीक है, वो ये है कि कर्म से पहले कर्ता आता है, सीधी सी बात है। एक्टर है तभी तो एक्शन होगा, बिल्कुल, तो एक्शन हवा में तो हो नहीं सकता, पहले एक्टर बैठा है, और ये जो एक्टर है जो करता है काम को, वही उस काम का एक्सपीरियंसर भी है। इस बात को अच्छे समझो, ये आइडेंटिटी हमें एकदम साफ होनी चाहिए कि एक्टर ही एक्सपीरियंसर भी है, जो काम कर रहा है वही उस काम की प्रक्रिया का और उस काम के परिणाम का एक्सपीरियंसर भी है। ये ठीक है, ये स्पष्ट हो गया, अब समझो। तो हमें मतलब किससे, हमें मतलब तो अपने एक्सपीरियंसर से है ना, अच्छा बुरा सब किसको लगता है, एक्सपीरियंसर को, ये एक्सपीरियंसेस है ना कि अच्छा कुछ हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, और ये जो अच्छा है या बुरा है ये एक्सपीरियंसर के साथ हो रहा है, एक्सपीरियंसर इक्वल्स एक्टर, एक्टर एक्सपीरियंसर इक्वल्स एक्टर, और एक्टर एक्शन से पहले आता है। ये दो तीन इक्वेशंस बन रही हैं। पहली आइडेंटिटी हमने बनाई कि एक्टर इक्वल्स एक्सपीरियंसर, और दूसरी है कि एक्टर प्रिसीड्स एक्शन, एक्शन बिल्कुल, अच्छा बुरा सब एक्सपीरियंसर के साथ एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा बुरा प्रिसीड्स एक्शन, ठीक है, ठीक है, तो अच्छा बुरा परिणाम एक्शन के बाद नहीं आएगा, एक्शन से पहले आएगा। एक्टर एक्शन से पहले है ना, तो जो कुछ भी अच्छा बुरा है वो एक्शन से पहले ही हो गया, एक्शन के परिणाम से नहीं मिलेगा वो, एक्शन का रिजल्ट अच्छा बुरा नहीं होता, एक्शन का ओरिजिन अच्छा बुरा होता है, ठीक है। मे भी आचार्य जी, शुरू में वो एक्टर है, वो एक्शन करता है और वो एक्सपीरियंसर बन जाता है, सर्कल घूम के आ जाता है। उस केस में तो एक्शन का परिणाम भी है ना एक, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन में है, एक्शन का जो परिणाम है उसको भी भोगने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला, तो यही एक्टर ही है ना, ठीक है। और वो जिस हिसाब से एक्शन कर रहा था, जो बन के एक्शन कर रहा था, वही बन के रिजल्ट का कंजम्पशन भी करेगा, बिल्कुल वही बनता है ना। अगर वो सही है तो उससे आगे की परवाह नहीं रहेगी, और अगर वो गलत है तो आगे की बहुत ज्यादा परवाह करेगा, ऐसे समझो तुम। कुछ बेवकूफी भरा करने के लिए पहले मुझे बेवकूफ होना पड़ेगा, और बेवकूफ होने में ही सफरिंग मिल गई। अब रिजल्ट का क्या वेट कर रहे हो? रिजल्ट तो बस तुम्हारी सफरिंग को उघाड़ के रख देगा, बाहर लाके रख देगा, बाहर लाके रख देगा। तुम इतने बेहोश हो कि वो धमाका तुम्हें तुम्हारी सफरिंग प्रदर्शित कर देगा, मैनिफेस्ट कर देगा, वरना सफरिंग तो एक्शन से पहले ही थी। बिल्कुल, मैं आप समझ, तो आपको एक्शन के परिणाम की परवाह नहीं करनी है, आपको एक्टर की दशा की परवाह करनी है। एक्टर की दशा ही अगर खराब है तो एक्शन की बात क्या करनी फिर? तो अगर एक्शन सही एक्टर से आ रहा है
तो एक्टर के सही होने में ही उसे राइट एक्शन का रिवॉर्ड मिल गया। क्या रिवॉर्ड है? मैं सही हूँ, और सही होने में अपनी एक ब्लिस है, स्थिरता है, सही होने में अपना एक मजा, आनंद है, स्थिरता है, जो भी बोल लो। उस स्थिरता से जो एक्शन निकल रहा है, निकल रहा है, एक्शन की बहुत कीमत ही नहीं रही। जब एक्शन की बहुत कीमत नहीं रही तो एक्शन के परिणाम की बहुत कीमत नहीं रही। दैट्स वन हॉलमार्क ऑफ द राइट एक्शन, यू डू नॉट बॉदर टू मच अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस आर सेटल्ड विद द एक्शन इटसेल्फ। बिकॉज व्हाट मैटर्ड वाज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एक्शन केम। जो एक्शन जिस पॉइंट से आ रहा है, एक्टर से, वो एक्टर ही सही है। उस एक्टर के सही होने से उस एक्शन में अपना मजा है, एक्शन में ही जैसे उसको रिजल्ट मिल गया। अब वो कॉन्सिक्वेंस की परवाह नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि अगर एक्शन राइट था तो उसका कॉन्सिक्वेंस रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये एक तो बड़ी थ्योरेटिकल फिलोसॉफिकल बात हो गई। जो चीज तुमको पता ही होता है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उसमें तुम परिणाम की परवाह कम करने लग जाते हो ना। बोलो, बिल्कुल करने लग जाते हो ना। बस यही है, परिणाम कर्मा में चलता है कि अच्छा करो, अच्छा परिणाम रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर। जो आदमी होश में और डूब करके और बड़े प्रेम के साथ काम कर रहा है, वो अंजाम की परवाह करता ही नहीं, तो उसको तुम क्या बताओगे क्या अंजाम आएगा, परिणाम अच्छा आएगा कि बुरा आएगा कि क्या मिलेगा। सो द रियल थिंग इज द लविंग एंड कॉन्शियस एन इमर्स्ड स्टेट ऑफ द एक्टर। तुम सही होकर के काम करो और अंजाम की परवाह करो ही मत। तुमने जो सही होकर के काम करा उसी में तुमको बढ़िया वाला इनाम मिल गया, ऑलरेडी मिल गया, अब तुम्हें आगे नहीं मिलेगा, भविष्य में नहीं मिलेगा, भविष्य की चिंता करने कोई जरूरत ही नहीं। उस काम को करने में ही जॉय था, द वर्क इटसेल्फ वाज जॉय, द स्टेट इन विच आई वॉज एग्जीक्यूटिंग द वर्क, मैं जिस दशा में वो काम कर रहा था वो अपने आप में आनंद है, मजा आ गया। अब उसका आगे क्या होगा हमें नहीं पता, परवाह किसको है। जब आपको अपने काम में कोई कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई रस नहीं है, तो फिर आप भिखारी की तरह फ्यूचर की ओर देखते हो कि इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि जो काम था वो तो अपने आप में पूरा था नहीं, उसमें तो कुछ मजा आया नहीं, तो फिर हम क्या बोले कि हमने काम क्यों किया। तब हम रिजल्ट की बहुत परवाह करने लगते हैं, कहते हैं काम तो घटिया है, दिन भर किसी फालतू दुकान में बैठा हुआ हूँ, कोई फालतू सामान बेच रहा हूँ, तो एक महीने बाद मुझे पूछना पड़ेगा ना कि मैं पूरे महीने दिन के 8 घंटे 10 घंटे एक फालतू काम क्यों करता रहा। तो फिर मैं तीसरे दिन 30th day पर 30वें दिन मैं फिर प्रॉफिट की या सैलरी की, यानी कि रिजल्ट की, परिणाम की, फिर मैं बहुत परवाह करूँगा कि ये जो मैंने 30 दिन इतनी पीड़ा सही है उसका मुझे कुछ अच्छा सा परिणाम भी तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं इसको स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट में बोरो करूं तो एक तरीके से बात ये हो गई कहने की कि तुम फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ने में अगर किसी तरीके से मजा या एक प्रेम या एक इमर्जन इन्वेंट कर लो, डिस्कवर कर लो, तो तुम्हें मार्क्स की टेंशन नहीं रहेगी। और अगर तुम्हें मार्क्स की टेंशन है तो तुम वो प्रोसेस एंजॉय नहीं कर रहे हो, बात खत्म, इसलिए तुम परिणाम पे इतने फोकस्ड हो कि मेरी। और इसमें मजेदार बात जानते हो क्या है, पहली बात तो तुमको बहुत ज़्यादा मार्क्स की यानी परिणाम की टेंशन रहेगी नहीं, दूसरी बात अच्छे मार्क्स लाने की और अच्छा परिणाम लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जब तुम परिणाम की नहीं, वर्क की, प्रोसेस की, एक्शन की परवाह करते हो। तो अपने आप जो रिजल्ट आना होता है आ जाता है। तो ये है सीधे सीधे। आई वॉज लुकिंग अप अ लॉट अबाउट कृष्णमूर्ति, जिद्द कृष्णमूर्ति, एंड आई केम अराउंड उनकी जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो बुक है इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम का क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैं तब शायद गुदगुदा रहा था बच्चों के साथ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, या जो जिद्द कृष्णमूर्ति अपनी किताब में समझा गए, कुछ और भी डीपर फ्रीडम है किसी चीज से? फ्रीडम फ्रॉम वनसेल्फ। फ्रॉम वनसेल्फ, व्हाट डज दैट मीन, वनसेल्फ? एक होती है फ्रीडम फ्रॉम हिज योक, फ्रीडम फ्रॉम हिज बर्डन, फ्रीडम फ्रॉम हिज एट्रोसिटीज, फ्रीडम फ्रॉम हिज डिक्टेट्स, राइट, ठीक है। और एक फ्रीडम होती है उन सब चीज़ों से जो तुमने अपने भीतर बायोलॉजिकली या सोशली पाल रखी है, वो हायर फ्रीडम होती है। देखो क्या है कि बाहर से कोई तुमको गुलाम बनाता है तो ज़्यादा आसानी से दिख जाता है, और फिर उसके खिलाफ विद्रोह करना भी एक तरीके की रिएक्टिव ईज के साथ आता है, है ना।
कोई तुम पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन ही यही होता है कि चल हट। लेकिन ज़्यादा बड़ी गुलामी तब होती है जब बाहर की जितनी आवाज़ें हैं वो तुमने अपने भीतर सोख ली, बेहोशी में सोख ली, तुम्हें पता भी नहीं था, वो यूं ही हो गया। और वो आवाज़ें तुम्हारी जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं उनके साथ जुड़ गई और वो जो जुड़ी हुई चीज़ है उसको तुमने नाम दे दिया प्रखर का, कि ये तो प्रखर है। और तुमने प्रखर ही गुलामी करनी शुरू कर दी। प्रखर एज अ कॉन्सेप्ट की, हाँ, प्रखर अकॉर्डिंग टू योर ओन इमेजिनेशन, योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एस्टीम, कि दिस इज प्रखर। वो झूठा प्रखर है। लेकिन उस झूठे प्रखर की जो भी इच्छा है तुम उसका पालन कर रहे हो, तो ये प्रखर की गुलामी हो गई। उस झूठे प्रखर को जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तुमने उसको कह दिया ये माई लाइक्स हैं, माई डिसलाइक्स हैं, ये प्रखर की गुलामी हो गई। समझ आ रही बात? वो तुम्हारी है भी क्या? उस झूठे प्रखर के जो टारगेट्स हैं उसको तुमने अपना टारगेट बना लिया। तो इनर फ्रीडम का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम दैट विच यू कंसिडर टू बी इनर टू यू। द फैक्ट इज द आउटर इज द इनर। इनर डोमेन में कोई ट्रू सेल्फ नहीं बैठा हुआ है। ये सब जो बातें होती हैं ना कि यहाँ छाती में एक ट्रू सेल्फ है, कहीं ना अंदर ना बाहर, ट्रू सेल्फ ना अंदर होता है ना बाहर होता है। ठीक है, बाहर एक तरह की गुलामी होती है, फॉल्स सेल्फ है बाहर, और अंदर दूसरे तरह की गुलामी होती है, फॉल्स सेल्फ है भीतर भी। ठीक है, और जो भीतर वाले की गुलामी होती है वो बाहर वाले की गुलामी से ज़्यादा घातक होती है। बाहर वाले की गुलामी को हम अक्सर बोल देते हैं बॉन्डेज, भीतर वाले की गुलामी को हम अक्सर बोल देते हैं फ्रीडम। तो इसीलिए जो हमारी फ्रीडम है वो अक्सर बॉन्डेज से या स्लेवरी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो क्योंकि देखो, जो आदमी बाहर से ही एनस्लेव्ड है उसको आज़ाद कराना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसने ऐसे हथकड़ी पहन रखी है, तुम जाके चाबी ला के खोल सकते हो। लेकिन जो आदमी भीतर से गुलाम है उसको आज़ाद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने अपनी गुलामी के साथ अपना मैं जोड़ लिया है। प्रखर को संजय से आज़ाद कराना बहुत आसान है, लेकिन प्रखर को प्रखर से आज़ाद कराना बड़ा मुश्किल है। तो जितनी भी सोशल रिवॉल्यूशंस होते हैं या जो भी होते हैं, इतनी सारी ऐतिहासिक क्रांतियां हुई हैं, ठीक है, फ्रेंच हो, रशियन हो, कोई हो, ये सब कोशिश करते हैं इंसान को किसी बाहरी ताकत से आज़ादी देने की। ठीक है ना, राजा की राजा की ऑटोक्रेसी नहीं चलनी चाहिए, चर्च की नहीं चलनी चाहिए, किसी की हुकूमत इंसान पे नहीं चलनी चाहिए। तो फिर इसके लिए होती हैं क्रांतियाँ। सब क्रांतियाँ ये करती हैं कि भाई प्रखर को संजय के से आज़ाद कराना है। संजय बहुत चौड़ में रहता है, संजय ने बिल्कुल ऐसे दबा रखा है तो प्रखर को। लेकिन असली क्रांति वो होती है जहाँ पर प्रखर प्रखर से आज़ाद हो जाए। वजह, प्रखर संजय से भी इसीलिए दबता है क्योंकि प्रखर पहले प्रखर से दबा हुआ है। प्रखर प्रखर से दबना छोड़ दे जिस दिन, उस दिन वो संजय से भी नहीं दबेगा। अब तुम प्रखर को संजय से आज़ाद करा रहे हो लेकिन अभी वो प्रखर से दबा ही हुआ है प्रखर, तो वो दबने के लिए बाहर एक दूसरा संजय ढूंढ लेगा। यही होता रहा है। तो वो जो इंटरनल लिबरेशन है, इनर फ्रीडम है, वो ये चीज़ है, इंसान को इंसान से ही मुक्ति दिलाना, वही सबसे मुश्किल काम है। तो टेल मी इफ आई हैव अंडरस्टूड दिस करेक्टली, मैं एक वेशभूषा या मैं एक डिसगाइज एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लेता हूं एज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रखर, और फिर उसकी फुलफिलमेंट में मैं उसका स्लेव बन जाता हूं।
एज अपोज टू मी ट्राइंग टू डू व्हाट, बिकॉज आपने बोला ना देयर इज नो ट्रू सेल्फ, तो देयर इज नो ट्रू सेल्फ इफ ऑल सेल्फ्स आर फॉल्स, देन व्हाट डू आई एक्सचेंज दिस कॉन्सेप्ट विद? नथिंग. रैंडमनेस? नथिंग. जस्ट नथिंग. दैट आई एम नथिंग इज द आंसर. दिस द आंसर. आई एम नथिंग. आई एम अ Is there any? You don't need to be anything. Hmm. Why such clamor around something, anything or nothing? Right. Right. Huh. So you have to be nothing. But you don't. It's not a moral imperative. Mm-hmm. You have to acknowledge firstly that you are a lot of things. Right. Just randomly, just coincidentally, right. And you are not getting anything by being those things. Right. So then, you know, it makes me think. There is a very old debate in philosophy: being versus becoming. Be yourself or become the best version of yourself. Right. अब अगर कोई true self नहीं है तो be yourself क्या है? पहली बात तो, right? और अगर कोई डेस्टिनेशन, कोई सुपर कॉन्शियस या कोई इनलाइट, कोई फ्लिप स्विच मोमेंट, कोई थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग मोमेंट, कोई क्रिटिकल मास जंक्शन नहीं है, तो बिकमिंग योरसेल्फ भी क्या है? कुछ नहीं, दोनों ही कुछ नहीं है. दोनों मिथ्स हैं, दोनों कहानियां हैं. हम तो बोलते हैं फाउंडेशन में डोंट बी योरसेल्फ. हाँ, बी हु देन? बी नथिंग. स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नॉट बीइंग योरसेल्फ. राइट. इट्स नॉट दैट इजी. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट वुड सीम ऑलमोस्ट आचार्य जी कि ऐसा ही नहीं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, बट ऐसा भी कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो हम कंटेम्परेली मॉडर्न टाइम्स में यूज करते हैं समझने के लिए जीवन को, वो अनप्रिपेयर्ड है तथ्य तक पहुंचने के लिए. बढ़िया बात है ना. बढ़िया. तो ये जो फंडामेंटल शिफ्ट हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा परसेप्शन सब कुछ बदल देगा लाइफ की तरफ. आप कह रहे हो ऑब्जर्व्ड या एग्जामिन्ड लाइफ, राइट? कि तुम ध्यान रखो, देखो हो क्या रहा है, अभी हो रहा है. ये कोई और तरीका, रास्ता, टेक्निक, प्रैक्टिस, ब्रिज? ये भी टेक्निक नहीं है. नहीं है. ये एक स्पॉन्टेनियस हैपनिंग है. आप मुझे समझाइए, आप ये कैसे कर सकते हैं कि ठीक अभी जो हो रहा है वो आपकी चेतना पर अंकित ही नहीं हुआ, वो आपकी कॉन्शियसनेस पर रजिस्टर नहीं हुआ, ये हो कैसे गया? आप ही के साथ हो रहा है ना. आप ही एक्सपीरियंसर हो. तो आपको पता कैसे नहीं है कि क्या हो रहा है? बस यही तो है. इसको टेक्निक बोलना चाहते हो, बोल लो. ठीक है. बट ऑल टेक्निक्स आर लर्नड प्रोसेसेस. ये कोई लर्न चीज नहीं है. इट्स अ रियल टाइम थिंग. कि आपको अभी जो अनुभव हो रहा है, आप उसके प्रति जरा सा जागृत रहें, या जागृत भी नहीं बोलूंगा, जागृति भी ऐसा लगता है कोई करने की चीज है. इसीलिए बार बार बोलता हूँ ईमानदारी. थोड़ी ईमानदार रहो यार. अभी अभी तुमको तकलीफ हुई है, मानो ना. एक बंदा सामने से निकला, उसके पास ज़्यादा पैसे लग रहे थे, या ज़्यादा वो वेल बिल्ट था, या उसके पास ज़्यादा ज्ञान था, तुमको तकलीफ हुई. अब क्यों नहीं मान लेते कि तुम्हें तकलीफ हुई? जैसे ही तुमने उस क्षण में ईमानदारी से माना, हाँ ये अभी अभी कुछ हुआ था, तुम्हें अपने बारे में, ये जो फॉल्स सेल्फ है, इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चलेगा. मज़ेदार बात यह है कि जितना तुम्हें इसके बारे में पता लगता है, उतना तुम इससे आजाद होते जाते हो. इसका मोह जो है वो कम होता जाता है. चीज ही गंदी है, कौन चिपकेगा उससे? कौन चिपकेगा? मेरे को ना आचार्य जी, ये पर्सनल सवाल लगा लो आप, पता नहीं लोग कितना रिलेट करेंगे, पर मेरे को ये पूछना है. मैं अंशु जी से भी बात कर रहा था एक दफा ये वाली, कि जब मैं कुछ ऐसा करता हूं ना दैट डज नॉट सिट वेल विद मी, लाइक एक कोई सिक्स्थ सेंस टाइप, कोई एक इंटरनल कंपस है दैट सॉर्ट ऑफ टेल्स मी बहुत विस्पर तरीके से ये गलत है, ये सही नहीं है. अगर मान लो जैसे मेरे को गुस्सा आता है कोई इंटीमेट सिचुएशन में दोस्तों यारों के साथ, और मैंने वो गुस्सा कर दिया, उसके बाद मेरे को एक बड़ी थॉरो आउट ऑफ प्लेसनेस फील होती है अंदर, कि मैं डिस्प्लेस हो गया हूं कहीं से. या सपोज मैं सिगरेट पी के घर गया और मेरी मम्मी ने मेरे को बोल के देखा तू सिगरेट पी के आया है, मैं उनको नहीं बताना चाहता, बट अब मेरे पास एक मोमेंट है सच या झूठ बोलने का, और मैं कह रहा हूं मैं झूठ भी बोल देता हूं. उसके बाद मेरे को एक फीलिंग आती है कि कुछ गलत हुआ है, देयर इज समथिंग दैट इज बीन मूव्ड, इट इज नॉट एज स्थिर या एज हैवी एनीमोर, इट इज लाइक आई एम नॉट श्योर हाउ टू डिस्क्राइब इट. देखो ये दोनों बातें हो सकती हैं. दोनों बातें हो सकती हैं.
मान लो कि तुम एक एक भारतीय हिंदू घर में पैदा हुए हो और तुम्हारे घर में बचपन से ही मांस नहीं खाया जाता था, तो तुम अचानक एक ऐसे कमरे में घुस जाते हो जहाँ चारों तरफ मांस बट रहा है और ये हो रहा है, तो तुमको तुरंत ये लगेगा कि कुछ गलत हुआ। ये जो तुमको भी लग रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बात तुम्हारे होश से आ रही है, ये तुम्हारी कंडीशनिंग का रिएक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें घर में हमेशा ये बताया गया कि झूठ नहीं बोलना है। अब किसी दबाव में आकर के तुमने किसी दिन कहीं झूठ बोला तो तुमको बुरा लगेगा, लेकिन तुमको ये जो बुरा लग रहा है, जिसको लोग बोलते हैं ना कई बार मेरी आत्मा कचोट रही है मुझको, ये जो बुरा लगना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि किसी ट्रू सेल्फ से आ रहा हो, ये तुम्हारी कंडीशनिंग का रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए बहुत जल्दी इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं कि असली प्रखर कौन सा है। बार बार मैं समझाता हूं कि असली की बात को ज़रा पीछे रख देना चाहिए, नकली प्रखर कौन सा है उसको हटाते चलो, ठीक है, एलिमिनेशन से। क्योंकि हो सकता है कि जो तुम अच्छे से अच्छा काम भी कर रहे हो, सो कॉल्ड तथा कथित, वो भी सिर्फ कंडीशनड हो, सिर्फ कंडीशनड हो। वो तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उसकी ट्रेनिंग दे दी गई है, उसमें कोई होश नहीं है, कोई समझ नहीं है, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि वो काम क्यों नहीं करना चाहिए, पर तुम कर रहे हो। तो सारी दिक्कत तब पैदा हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है बल्कि, जब हम कंडीशनड बिहेवियर को ही फ्री बिहेवियर समझना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल। एक आदमी शराब पी रहा है, एक आदमी शराब नहीं पी रहा है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं पी रहा है वो कंडीशनिंग से मुक्त है इसलिए नहीं पी रहा है, बहुत संभावना दूसरा नशा कर रहा है। समझ रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो शराबी को चाहिए वो अपना नशा हटाए, और जो शराबी नहीं है उसे चाहिए वो अपना नशा हटाए। नशे सबके पास है, सारा खेल हटाते रहने का है, हटाते रहने का है। किसी भी चीज को ये नहीं मान लो कि ये तो मेरी नशा मुक्त अवस्था है। प्रखर सिगरेट पी रहा है तो उस पर दोस्तों का इन्फ्लुएंस है, प्रखर सिगरेट नहीं पी रहा है उसमें मम्मी का इन्फ्लुएंस है, इसमें फ्रीडम कहाँ है दोनों में? तो प्रखर सिगरेट पिए चाहे प्रखर सिगरेट नहीं पिए, दोनों ही केसेस में कोई है जो उस पर चढ़ के बैठा हुआ है, कभी दोस्त कभी मम्मी। राइट। तो जो कोई भी चढ़ के बैठा है उसे नीचे उतारना है पहले, तो बस यही देखना है, बस यही देखना। उसके बाद चॉइस कोई भी मेक करो, उसके बाद जो होगा अपने आप अच्छा होगा, अच्छा, उसके बाद की परवाह हम करते नहीं। राइट। फ्रीडम इज इट्स ओन जज, आर्बिटर एंड द अल्टीमेट। राइट। उसके आगे सवाल नहीं पूछे जाते, वो आखिरी है ना। आखिरी पे सवाल पूछने क्या मतलब है? आखिरी के आगे कोई उत्तर तो हो नहीं सकता। फेयर, आई अंडरस्टैंड। तो एक बार जो आवाज तुम पर चढ़ के तुम्हें सही गलत बता रही है उसको उतार दो, उसके बाद तुम चिंता मुक्त हो सकते हो, यू हैव अराइव्ड एट फ्रीडम। उसके बाद अपने आप ध्यान हो जाएगा। सही है, ठीक है। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अब कुछ नहीं है, अब तो उसके बाद असल में सवाल बचता नहीं है। तुम बार बार पूछ रहे हो इसीलिए मुझे इस पे बात करनी पड़ रही है। हाँ। नहीं तो ये सवाल कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। राइट। ये सवाल उठेगा तब तो इसका जवाब दोगे। राइट। ये सवाल उठना, अकर करना ही बंद हो जाता है। मैं आपकी बात समझता हूँ, और मेरे पास तो आंसर है भी नहीं, तो मैं तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता। लोगों के लिए एक विजुअल क्यू ऑफ व्हाट इट लुक्स लाइक वंस इट इज डन, वो विजुअल क्यों पहले एक बार सोचो कि हम मांग क्यों रहे हैं। पता है क्यों मांग रहे हैं? फॉर प्लेजर। एक तो अभी अपने प्लेजर के लिए कि अच्छा पता चल गया ऐसा होता है। नॉलेज में कितना प्लेजर होता है ना, देखा मैंने पता लगा लिया कि फ्री स्टेट कैसी होती है। उसके आगे एक काम और करेंगे हम, उस फ्री स्टेट में कोई ना कोई हम खोट निकाल लेंगे और कहेंगे अच्छी है पर अभी उसमें ये कमी है, तो अभी हम फ्री नहीं होना चाहते, तो यही ठीक है।
तो इसीलिए फ्रीडम का विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन या कंसेप्चुलाइजेशन बहुत खतरनाक चीज़ है, कुछ नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। तो उपनिषद फिर क्या बोल गए हैं कि सत्य क्या होता है, अकथ्य होता है, अचिंत्य होता है। अकथ्य माने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। अचिंत्य माने उसके बारे में सोचना नहीं जाना चाहिए, अकल्प उसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सत्य के बारे में इसीलिए दिमाग चलाओ ही मत और मुंह चलाओ ही मत, ऐसा समझाने वालों ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है, झूठ की बात करो, अध्यात्म झूठ की बात है, अध्यात्म सत्य की बात नहीं है, झूठ की बात है। मैं बोलता हूँ माया को पकड़ो, माया को, तुम आत्मा को ब्रह्म को छोड़ो, ये वैसे भी पकड़ने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। अध्यात्म का या राइट लिविंग का, ऐसे बोल लो, अध्यात्म भारी शब्द हो जाता है कई बार, वाइज लिविंग का, होशमंद होशपूर्ण जीवन का मतलब होता है माया को पकड़ना। माया समझते ना, डिसेप्शन। तो डिसेप्शन को पकड़ते चलो, झूठ को पकड़ते चलो, गुलामी को पकड़ते चलो। सच क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब बेकार की चर्चाएं करनी ही नहीं चाहिए।